तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो हमेशा इस तारीफ के लायक है। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, जिसने फरमाया तुम कभी ये ना कहो कि मैं कल कहूं, ये मैं कल करूंगा, इल्ला के इंशा अल्लाह। और मैं गवाही देता हूं कि हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला आप और आपके आलो असहाब पर क्यामत तक दुरूद सलाम नाज़िल फरमाए। हम्द सना के बाद मैं तुझे और अपने आप को अल्लाह के तकवे की वसीयत करता हूँ। इरशाद इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमानदारो अल्लाह ताला से कमा हको डरो और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। इंसान अपनी जिंदगी के हालात वाकयात में जो बात बकसरत दोहराता है वो है मैं इसे कल करूंगा। ये इसे उस वक्त दोहराता है जब इसके दिली मंसूबों में बिगाड़ पैदा होता है या फिर जब इसे उन बड़ी तवक्कुआत का ख्याल आता है जिनके हुसूल में इसे खूब दिलचस्पी होती है होती हो, जैसे सेहत व आफियत, तवंगरियो मालो दौलत, बड़ा घर, सवारी और बड़ा ओहदा। जबकि इस्लाम ने इन उम्मीदों और मंसूबों को चंद आदाब के साथ संवारा है, जैसा कि इरशादे बारी ताला है, और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं ना कहना कि मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। और तू जब भी भूले तो अपने परवरदिगार की याद कर लिया करना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की राहबरी करेगा। इन तमाम आदाब और इनकी असास में सबसे शानदार यही है कि जब तू कहे मैं इसे कल करूंगा तो तुम्हारे तमाम तर मनसूबे और उम्मीदें मशीयत इलाही से जुड़ जाएं और सारी जिंदगी के मशीयत इलाही के हवाले हो जाने से मुसलमान बगैर मदद खुदावंदी नेकियों बदी में मन मर्जी करने से बरी हो जाता है। और मुसलमान जो भी काम करना चाहता है उसकी इस्लाह हो बिगाड़ का दारो मदार सिर्फ नीयत पर है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है और हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसने नीयत की। मैं इसे कल करूंगा ये बात कहने के लिए इस्लामी अदा में से एक अदब यह है कि किसी काम के पुख्ता इरादे के वक्त इस्तखारा करना, क्योंकि इस्तखारा करने से मुस्तकबिल की राहें रोशन, मकामात तौफीक क्लियर और तुम्हारी सिम्मत दुरुस्त हो जाती है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर काम के लिए इस्तखारा करना इसी तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान मजीद की कोई सूरत सिखाते थे। और जब इंसान पुख्ता इरादा करे और कहे मैं इसे कल करूंगा तो जान ले कि बाहिम्मत लोग हमेशा औकात को गनीमत जानते हुए और मौका जाये किए बगैर काम करने में जल्दी करते हैं और वो अपने पुख्ता इरादे से ना पीछे हटते हैं और ना अपने अहदाफ के हुसूल में तजब्ज़ुब का शिकार होते हैं, क्योंकि वो अपनी सवानह उम्री में नफा बख्श अमाल का एक तूफानी रिकॉर्ड और कामयाबी के रोशन सफहात साबित करना चाहते हैं। इरशाद बारी ताला है, फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। मैं इसे कल करूंगा ये कलिमा जबानी कलामी महज एक तमन्ना और पुरजोश हिम्मतों पुर अजम अमल से खाली होने तक बेकीमत रहते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूर अंदेश और दाना वही शख्स है जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हुए मौत के बाद के लिए कमाई की, जबकि वो आजिज़ और बेबस है जिसने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की और अल्लाह ताला से खाली उम्मीद लगाए रखी। और जिस शख्स ने अल्लाह ताला की अता करदा कुव्वत और ताकत के बावजूद अमल ना किया तो उसने अपने आप को सुस्ती और काहली के सपुर्द करते हुए अपने उम्र के लम्हा जाया कर दिया और सवारी पर सबके पीछे बैठने और अलग थलग बेकार जिंदगी गुजारने पर राजी हो गया।
उमर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारा कोई भी आदमी रिजक की तलाश छोड़कर कतअन ये न कहे ऐ अल्लाह मुझे रिजक अता फरमा, और वो ये भी जानता है कि आसमान से सोने चांदी की बारिश कभी नहीं होती। और अल्लाह ताला फरमाता है फिर जब नमाज खत्म हो जाए तो अल्लाह के फजल यानी रिजक की तलाश के लिए जमीन में फैल जाओ, मैं इसे करूंगा। ये लफ्ज इसका कायल और ये फेल और इसका करने वाला कितना ही शानदार है। जब वो खूबियों की दौड़ में भलाइयों के मुकाबले और नेकियों एहसान के किसी भी रास्ते पर खर्च करने के लिए पुरअज़म हो, इरशाद बारी ताला है सो तुम भलाइयों के हुसूल के लिए दौड़ो, और फरमाया अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी चौड़ाई आसमान जमीन के बराबर है और जो सिर्फ उन मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालात में राह लिल्लाह खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दर गुजर करने वाले हैं। अल्लाह ताला इन नेकोकारों से मोहब्बत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक और अच्छे काम करना बुरे हादसात से बचाता, खुफिया सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता, सिला रहमी से उम्र में इजाफा होता है, और हर नेक काम सदका है। और दुनिया में नेकी करने वाले ही आखिरत में नेकी वाले और दुनिया में बुराई करने वाले आखिरत में बुराई वाले होंगे। और इस बारे में इस्लामी अदब यही है कि इंसान कभी ऐसी चीज का आजम ना करे जो उसकी हलाकत और बर्बादी का बायस बने या उसे किसी रंजो गम मुसीबत और फितने की भट्टी में धकेल दे। मैं इसे कल करूंगा तब ये किसी पाकीज़ा रूह का शानदार बोल होगा जब वो इसे जिंदगी का एक बेहतरीन नमूना और अपने नफ्स की इस्लाह, अपनी औलाद की तरबियत, अपने अमल की पायदारी, जमीन की आबादी और अपने मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए इसे निजाम औकात कार बनाए। इरशाद बारी ताला है इसी अल्लाह ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने तुमको इसमें बसाया है, और जब तू कहे मैं इसे कल करूंगा और फिर तुझे कुछ इलम मालो दौलत और कामयाबी हासिल हो या तुझे कोई निजात मिले तो अदब का तकाजा तो यही है कि तू एहसान को एहसान करने वाले और इनाम को इनाम देने वाले की तरफ ही मनसूब करे। आप जरा उस नेक बंदे और नबी मुरसल के अदब पर गौर करें जिसके बारे में बताते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगा ये मेरे रब का फजल है। आदाब इस्लाम से मुजयन शख्स अगर कहे मैं इसे कल करूंगा तो वह हमेशा अपने कौल की सच्चाई पर गामजन रहेगा और इसका जाहिर बातन के और कौल फेल के मुआफिक होगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है फरमान का बजा लाना और अच्छी बात कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहे तो उनके लिए बेहतरी है। अगर कोई बंदा ये कहे मैं इसे कल करूंगा और फिर आम वादों की खिलाफ वर्जी की या लोगों के साथ किए गए वादों के पूरा करने में लापरवाही की नीयत करे तो ये शरी आदाब और तरीका नबी के सरासर खिलाफ है। अरशाद बारी ताला है ईमानदारों ऐद पैमान पूरे करो और फरमाया वादे पूरे करो क्योंकि कौलो करार की बाज पुरस होने वाली है। और इससे भी ज्यादा संगीन ये है कि कस्में खा खा कर खरीदो फरोख्त की जाए और फिर खाश परस्ती करते हुए इन कस्मों को तोड़ दिया जाए। जैसे अरशाद बारी ताला और अल्लाह के ऐद को पूरा करो जबकि तुम आपस में कौलो करार करो और कस्मों को उनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो हालांकि तुम अल्लाह ताला को अपना जामन ठहरा चुके हो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उनको बखूबी जानता है। और जो मुसलमान कहता है मैं इसे कल करूंगा तो वो किसी चीज को आने वाले वक्त में कतई ना समझे और ना ही फैसला करने में जल्दबाजी से काम ले क्योंकि मुस्तकबल एक ऐसा गैब है जिसका इलम सवाए अल्लाह के किसी को नहीं। जैसा कि इरशाद बारी ताला कह दीजिए कि आसमान और जमीन वालों में से सवाए अल्लाह के कोई भी गैमदार नहीं, मैं इसे कल करूंगा। ये शख्स जो शख्स ये जुमला नजूमियों जादूगरों और बुर्जों वालों की खबरों पर एतमाद की बिना पर कहे तो वो गलत कर रहा है और अल्लाह की पनाह यही एतमाद बर्बादी तक पहुंचा देता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी ज्योतिषी या नजूमी के पास आया और उसकी बातों की तस्दीक की तो उसने उन चीजों का इनकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हैं। मैं इसे कल करूंगा ये कहना ऐसे शख्स के लिए उल्टा खसारा वबाल जान होगा जो शुबहात और शहवात में डूबा हो
क्योंकि वो ये कहकर मैं इसे कल करूंगा तौबा करने में रोजाना टाल मटोल से काम लेता रहता है, यहाँ तक कि उसे अचानक मौत आ जाएगी और फिर वो नदामत शर्मिंदगी से चिल्लाते हुए कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस लुटा दे ताकि मैं अपनी छोड़ी हुई जिंदगी में जाकर नेक अमाल कर लूं। और फरमाया, काश के मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ पेशगी समान किया होता। अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे लिए कुरान अजीम को बाबरकत बनाए और उसकी आयात जिक्र हकीम को मेरे और तुम्हारे लिए नफा बख्श बनाए। इसी पर इतफाक करते हुए अपने तुम्हारे और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह अजीम व जलील से तमाम गुनाहों की बख्श तलब करता हूँ, तुम भी उसी से बख्श तलब करो, बिलाशुबा वही गफूर रहीम है। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बल आलमीन के लिए है जो रहमान और रहीम और क्यामत के दिन का मालिक है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वादा उला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं जो साबरीन का दोस्त है, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला आप और आपके आलो असहाब तमाम आलो असहाब पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। हम्द सना के बाद मैं तुम्हें और अपने आप को अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ। इरशाद बारी ताला है, और जब भी तू भूले तो अपने रब की याद कर लिया करना। भूलने की वजह से बस औकात मुसलमान अहदाफ के हुसूल में फेल हो जाता है, जबकि भूल का इलाज सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र अल्लाह ताला के जिक्र की पाबंदी है। और जिसने कहा मैं इसे कल करूंगा और फिर अपने बुलंद मकासद के हुसूल में नकाब रहा या इंतहाई थोड़े अहदाफ हासिल कर सका, तो वो इस वजह से मेहनत करने से हरगिज़ न रुके, क्योंकि हर कमी रोशनी का मीनार और कोई भी नाकामी कामयाबी का पेश खेमा हो सकती है। और ऐन मुमकिन है कि जो पोशीदा है वो मिस हो जाने से बेहतर हो, लिहाजा जो तुमसे खो चुका है उस पर गमजदा ना हो, क्योंकि हादसात वाकयात में आम भलाई के मख्फी मकामात से बंदा बेखबर होता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा राम मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की रहनुमाई करे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे लिए नफा बख्श हो उसमें खूब दिलचस्पी रखो और अल्लाह से मदद तलब करो और आजिज़ न बनो, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत लायक हो तो ये मत कहो अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा ऐसा होता, लेकिन यूं कहो ये अल्लाह की तकदीर है और जो उसने चाहा वही किया। और याद रखो कि अगर मगर कहने से शैतानी अमल खुल जाता है। मुस्लिम शरीफ, ऐ अल्लाह के बंदो खबरदार, रसूल खुदा पर दुरूद सलाम भेजो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में तुम्हें इसका पाबंद करते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ मोमिनो तुम भी आप पर दुरूद सलाम भेजो। ऐ अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाई। ऐ अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम की इज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम की इज्जत अता फरमा। कुफर और काफरों को जलील और रुसवा कर, अपने और दीन के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर। ऐ अल्लाह इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालक को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह हम जन्नत और उसके करीब करने वाले अमाल का सवाल करते हैं और जहन्नम और उसके करीब करने वाले अमाल से पनाह मांगते हैं। या अल्लाह तमाम खैर का भलाई का और जल्दी और बदेर उनका हम सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह हमारे उस दीन की इस्लाह फरमा जो हमारी पाक दामनी है, और हमारी दुनिया जो माश का जरिया है उसकी इस्लाह फरमा। अल्लाह हमारी जिंदगी में भलाई और खैर का इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह हम भलाई की चाबियां और उसके जमा करने की चाबियों का सवाल करते हैं और जन्नत के आला दर्जात का हम सवाल करते हैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारे खिलाफ मदद ना करना। या अल्लाह हमारे लिए तदबीर करना, हमारे खिलाफ तदबीर ना करना। या अल्लाह हमें अपने लिए अपना जिक्र शुक्र करने वाले बना। ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गमों को दूर फरमा और हमारी बीमारियों को कमजोरियों को दूर फरमा।
या अल्लाह हमारे अगले पिछले एलानिया और मख्फी गुनाहों को माफ फरमा, और अल्लाह हमारे गुनाहों को तो खूब जानता है। अल्लाह हम पर ऐसा बोझ ना लादना जिसके हम मुतहम्मिल ना हो और जिसको तूने हमसे पहले लोगों पर लोड किया। ऐ अल्लाह हमें हमारी मदद फरमा काफरों के कौफ कौम के खिलाफ। या अल्लाह हम आजी इनकसारी से आजी बेबसी से तेरे तुझसे पनाह मांगते हैं। ऐ हय्यू कय्यूम हम तेरे रहमत से मदद का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह हमें अपने नफ्सों के सपुर्द एक लम्हे के लिए न करना, अपनी हमारी हिफाजत करना। या अल्लाह हमारे औलिया उल उमूर को अपनी रजा की तौफीक अता फरमा। तमाम औलिया उल उमूर मुसलमानों के हुक्मरानों के अपनी रजा के और भलाई के कामों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, तू हम पर रहम फरमा, अगर तूने रहम ना किया तो हम खसारा उठाने वाले में से। अल्लाह हमें दुनिया आखरत की भलाइयां नसीब फरमा और आग के अजाब से महफूज फरमा। अल्लाह ताला अदल व इंसाफ का तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह ताला का जिक्र करो वो तुम्हें याद रखेगा, शुक्र करो वो ज्यादा देगा, जो तुम करते हो उसे खूब मालूम है।